ने ना पब्लिक इंसान बनाया, फिर वो इंसान ने अपने नियम बनाए, काला गोरा बड़ा छोटा अमीर गरीब, इस सब से ना ऊपर वालों को फर्क नहीं पड़ता है कि ऊपर वाले ने बनाया ना, उसको सब पसंद है ना, तो तुम लोग बनाने वाले नियम से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और इंसान लोगों ने ऐसे कुछ नियम बनाए ना जो एक दूसरे की जिंदगी ना झंड करके रखी है, ऐसे नियम बनाए। और ऐसे एक नियम ने ना आज एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मगर ना अभी अभी फिलहाल वो लड़की को नहीं बुलाते अपन, अभी फिलहाल अपन बुलाते उसके ससुर को। नमस्कार। और 3 साल पहले हमने हमारे बेटे अशोक का रिश्ता रीना से पक्का कर दिया था। अच्छा। और अशोक डॉक्टरी करके आया ही था। अच्छा। पहले रीना उसे पसंद नहीं थी। अच्छा। क्योंकि ये अरेंज मैरिज थी। अच्छा। फिर जब अशोक रीना से मिला तो उसे रीना पसंद आई। अरे वाह। और दोनों की शादी होगी। अरे वाह। रीना को अशोक पसंद था? हाँ हाँ बहू। अच्छा। दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते थे। अच्छा। बहुत अच्छी बहू मिली हमें रीना। अच्छा। सबका ख्याल रखती थी बहू। क्या बात। खास करके हमारे बेटे अशोक को हमेशा खुश रखती थी बहू। रखती थी। अच्छा। समझा नहीं मैं। भाव रखती थी का क्या होता है मतलब? भाव हुआ ऐसा कि 6 महीने पहले हमारा बेटा अशोक अपने दोस्तों के साथ बाहर कहीं घूमने गया था और वापसी में आते समय उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और भाव हमारा बेटा भाव रीना मेरी बहू अभी सिर्फ 27 साल की है और ये कोई उम्र नहीं होती विधवा होने की। नहीं, बराबर। मैं चाहता हूँ कि रीना अपने जीवन को आगे बढ़ाए और मैं उसकी दूसरी शादी करवाना चाहता हूँ क्योंकि हम उसे ऐसे विधवा के रूप में नहीं देखना चाहते। लेकिन तकलीफ यह है कि उसका एक भाई है, वो पढ़ लिख के भी अनपढ़ है, वो नहीं चाहता है कि रीना दूसरी शादी करे। क्यों? पता नहीं उसके फैमिली का क्या इशू है या क्या है उनकी सोच। बेटी है पीछे। हाँ, मैं आपको बुलाता हूँ। ठीक है। मैं आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर में। थैंक यू ब्रिजेश। ना भाव मुझे पता है। क्या? आप मुझे लेक्चर दोगे, बोलोगे कि बहन की दूसरी शादी कर, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हमारे खानदान में अब तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। किसी औरत ने दूसरी शादी की नहीं, किसी औरत पे दूसरी शादी का धब्बा नहीं लगाए, मेरे बहन पे भी नहीं लगेगा, मैं उसकी शादी नहीं करूंगा। मेरे को एक बात बता रहे, वो अपने मर्जी से विधवा हुई है क्या? कोई अपनी मर्जी से नहीं होता है, मुझे पता है सब। दूसरी शादी करने वाली औरत नहीं होती, आप जानते हो क्या होती है? क्या होती है? वो होती है। और दूसरी शादी करने वाली औरत की कुछ इज्जत नहीं रहती, थूकते है सब। अगर उसने ऐसा किया ना तो उसको मैं देख लेना मैं क्या करूंगा।